हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है दोस्तों, आई होप कि आप सभी अच्छे हो गए। और यार पिछले 3 दिन के बारिश में कौन कौन अपना तबीयत ख़राब किया है कमेंट सेक्शन में बताओ। खैर हम तो बच गए भाई, क्योंकि हम घर से कहीं निकले ही नहीं थे, प्लान था बट बारिश की वजह से नहीं निकले तो बच गए। और आज भी देखो भाई मौसम अजीब सा है भाई। अरे भाई बकरी हाँ, तो हम तो बच गए भाई। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हाल है। और बहुत लोग सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ आ गए हम, ये क्या है। तो भाई आज भैया घर पे थे नहीं, और 3-4 दिन से घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे, तो हम सोचे आज अपना ही बाइक से निकला जाए। और अभी हम जा रहे हैं एनवायरनमेंट ऑगी, और हम रहेंगे आज। और क्या प्लान है कोई आइडिया नहीं है। और ये है मेरी बाइक, देखो रहो, ये बाइक पता है कितनी पुरानी है, ये बाइक 7 साल पुरानी है, 7 या 8 साल। और बाइक चल चुकी है 1,20,000 किलोमीटर, और अभी भी भाई मतलब नई जैसी तो नहीं बोलेंगे बट हाँ भागती है। अलग बात है बहुत ज़्यादा आवाज़ आवाज करने लगती है भाई, क्योंकि एक एज होता है भाई किसी भी चीज़ का। 7 साल हो चुकी है अभी और चलेगी, बट हालत ख़राब हो चुका है इसका भी। और ठंड लग रहा है भाई, जैकेट वैकेट कुछ पहने नहीं है, ऐसे ही निकल गए हैं हम, बड़ा दिक्कत है भाई। और ये देखो इस बाइक से डाउन शिफ्टिंग देख रहे हो, किसी भी बाइक से आप ये सब चीज़ कर सकते हो। अलग बात है ये सब बाइक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और क्लचलेस आप शिफ्टिंग भी कर सकते हो भाई। हो गया 4 गियर पे बाइक आ चुकी है आराम से, ऐसे होता है क्लचलेस अप शिफ्टिंग और डाउन शिफ्टिंग भी इस पर। ये बाइक बहुत लंबे अरसे से चला रहे हैं, मतलब अलग ही मज़ा है इस बाइक को चलाने का। और अभी आगे वाले स्ट्रेच पे ना इसका टॉप एंड चेक करेंगे कि देखते हैं। पहले तो जब स्कूल में थे तो 100 इसको टच करा देते थे भाई, हम और मेरा एक और दोस्त है मिल करके इस बाइक का खूब मज़े लिए हैं भाई, एकदम भयानक टाइप से। और अभी बूढ़ा हो गया है पर कोई नहीं भाई, मज़ा अभी भी आता है, कहीं जाना होता है तो कभी कभी चले जाते हैं इससे। और भाई गाड़ी तो रिंग रोड पे इतना बड़ा बड़ा चल रहा है, देखो भीड़, देखो रिंग रोड पे भीड़ है। और ये देखो ये लोग से बच कर आना भाई, ये लोग कहीं से भी निकल जाएंगे और आपके लगा देंगे भाई, जाने दो मेरे को फिर चल जाना। गुड, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा ढलान है, देखो अभी कैसे इसका टॉप एंड चेक करते हैं। वाह, बाइक का लिमिटर ही नहीं है इसमें, देखते हैं कितना जाती है भाई। ओ भाई 100 पहुंच गई है, और उससे ज़्यादा नहीं जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा भाई, 100 चली गई बहुत है भाई। अरे भाई, अरे भाई आराम से चलेंगे यार, पता है पूरे बाइक कांपने लगती है 100 पहुँचते के साथ। तो मैटर नहीं करता है भाई आप कौन सी बाइक चला रहे हो, मतलब बस इंजॉय होना चाहिए बाइक के साथ भाई। बड़ा मज़ा आया, बड़े दिन बाद इसको ऐसा खींचे हैं, नहीं तो ऐसे पता है इसको सिर्फ और सिर्फ हम जिम जाने के लिए नॉर्मली इधर उधर कुछ सामान लाने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं तो ऐसे हम जनरली उसी बाइक से कहीं भागते हैं अगर हमको निकलना होता कहीं तो। A few minutes later. ये देखो भाई अभी जो सामने डीओ वाला चल रहा है ना, इसको देखना अभी। देखो इसको, उसका ग्रिप देखो ना बस, हैंडल कैसे पकड़ा है भाई, बाप रे देख रहे हो। अरे भाई अंकल स्प्लेंडर पे तो पूरा लहरिया मार दे रहे हैं अंकल, तेरी अरे बाप रे। अरे 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 वाह, देख रहे हो देख रहे हो, अरे बाप रे गजब। देखो भाई कुछ भी करो ये सब मत करो भाई, ये भी छपरी की कैटेगरी में ही आता है, भले KTM नहीं है इसके पास लेकिन आता इसी कैटेगरी में। और ऑगी इसी वाले रोड में होगा, चलते हैं उसके पास।
ये देखो इसको, सुत के उठ के आ जाता है और बोलता है भैया आइए। अरे तो वीडियो बनाना है ना, वीडियो बनाना है। गाड़ी है ये नहीं है, देखो गाड़िया नहीं है इसका, हेलमेट भी नहीं है इसका, ये आ गया खाली उठ के। पैदल आया वीली, इससे मारेगा क्या वीली? पैदल आया है तो वीली कैसे मारेगा फिर तुम? एक्टिवा से मार मार, चलो दिखाएंगे दिखाएंगे दिखाएंगे। ठीक है फिर हम इससे दिखाएंगे, ठीक है हम इसमें भी दिखाएंगे वो, उसको तो हम मारेंगे तो उलट जाएंगे। लेकिन उसको गया गाड़ी, गया तुम्हारा, अब खत्म हो गया खेल। अब हेलमेट हो गया, हेलमेट भी छीन के भाग गया। बताइए कहाँ के आना, एकदम वेस्ट हो गया। और दे आ गया उधर से, देखो हेलो हेलमेट बच गया भाई, हेलमेट और गोप्रो आ गया। हाँ अभी गाड़ी आएगा इधर से, वेटिंग में है। ये देखो सेकंड गियर भी ली। देखो ये बना रहा है सेकंड गियर पे, कैसे व्हीली करे एमटी में, उसका चैनल पे जाके देख लेना भाई। उधर ये देखो भाई, सेकंड गियर व्हीली का कोशिश तो हो रहा है, अलग बात है व्हीली हो नहीं रहा है। अब उधर जाएगा ना तो व्हीली हो जाएगा, इधर जब आने लगेगा तो नहीं होगा। ऐसा काहे होता है? अरे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। अरे यार हो ही नहीं रहा है, काहे ऐसा? बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। लंबा नहीं आता है भाई, काहे भाई काहे नहीं हो रहा है? होना तो चाहिए भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि इसमें। देखो हम अभी नूब है ये बात पता चल गया, का है हो ही नहीं रहा भाई। और ऐसा नहीं कि बहुत डिफरेंस आ जा रहा है, कुछ हल्का ही सा डिफरेंस है खाली, कुछ तो गड़बड़ है। या तो हम ही कुछ गलती कर रहे हैं, और या तो मतलब अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं इसका बाइक पे हम। हो गया था, समझ गया, अब समझ गए। हम अब समझ गए। देखो क्या हो रहा था ना, हम क्लच जब छोड़ रहे थे ना तो काफी ढीले से छोड़ रहे थे, अब सीख गए हम। पंखा चलने दो। हाँ अरे भाई टाइम लगेगा हमको थोड़ा, बहुत टाइम लगेगा अभी। मेन बात ना दिखी है? अरे मेन बात है कि मेरे हाथ में गाड़ी नहीं रहता है, मेन वही बात है। और उसका एक और रीजन है पता है, तुम कभी ये चलाओगे कभी वो चलाओगे कभी कोई और गाड़ी चलाओगे नहीं सीख पाओगे। काहे स्टैंड हर गाड़ी का अलग अलग है, तुम एक चीज पे जब तक टिके नहीं रहोगे नहीं होगा। सीख लेने के बाद पहले तुम दूसरा गाड़ी चलाओ, लेकिन बिना सीखे चलाओगे तो नहीं होगा। वही चीज हो रहा है मेरे साथ, कभी पैशन चला रहे हैं कभी ग्लैमर चला रहे हैं। हाँ अपने पास क्या है वो देखो वहाँ खड़ा है। What color is your passion? Black. It's passion थोड़ा है यार। Passion के साथ मिली उठा देना। Logic. अरे क्या joke मारा भाई?